अरे 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 अरे, क्या डालते जा रहे हो, क्या डालते जा रहे हो? अरे रुको रुको रुको, क्या डाल दिया? वेलकम टू टेढ़ी बगिया दोस्तों, मैं हूँ विकास राठौर। दोस्तों आज हम बनाएंगे बनाना पील फर्टिलाइजर, जो कि फ्रूट्स एंड फ्लावर्स प्लांट्स में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। जिसके लिए हमें कुछ चाहिए, कुछ बनाना पील्स, एक सीज़र, एक जार या फिर कोई बॉक्स जिसमें आप इसको स्टोर करें। तो इसको तैयार करने के लिए चलिए दोस्तों हम करते हैं तैयार। तो सबसे पहले हम इस जार को खोलेंगे और इस जार में जो हमारे बनाना पील्स हैं, और हम बनाना पील्स कुछ ड्राई ले सकते हैं या फिर कुछ फ्रेश भी ले सकते हैं। तो देखिए हमारे पास कुछ फ्रेश भी हैं, कुछ ड्राई भी हैं। तो अब हमें ड्राई और फ्रेश बनाना पील्स का इस्तेमाल करेंगे बनाना फर्टिलाइज़र बनाने के लिए। तो देखिए ये ड्राई फॉर्म में भी है, और वैसे बेस्ट जो रहता है वो ड्राई फॉर्म में रहता है। तो ड्राई फॉर्म में ज़्यादा बेस्ट होता है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं इसको तैयार करने के लिए। तो सबसे पहले हम इस बॉक्स को ओपन करेंगे, जो या फिर आपके पास जो जार है उसको खोल लें, और नॉर्मली खोलना ही पड़ेगा। चलिए तो अब हम दोस्तों जो हमारे पास बनाना पील्स हैं उनका इस्तेमाल करेंगे हम, और जो हमारे पास सीजर है उसका भी। तो सीजर की मदद से हम जो हमारे पास बनाना पील्स हैं उनको कट करके हम अपने इस बॉक्स में डाल लेंगे। तो देखिए दोस्तों अब हम करते हैं शुरुआत कटिंग इनका बनाना पील्स का। तो बनाना पील्स हम कटिंग करना शुरू कर दिए हैं। तो दोस्तों ये हो गए हमारे बनाना पील्स कट कर तैयार। अब हम इसमें ऐड करेंगे वाटर, और वाटर आप अपने बॉक्स के हिसाब से या आपके जार के हिसाब से रखें, यानी कि इतना वाटर रखें कि आपके जो पील्स हैं वो डूब जाएं। तो दोस्तों ये हो गया हमारा वाटर फिल करके बॉक्स तैयार। अब हम इस जार को क्लोज करके इसका कैप लगा देंगे, या आपके पास जो भी नहीं है कैप तो आप किसी से इसको ढक दें ताकि इसमें कोई दूसरी चीज़ें ना गिरें। तो दोस्तों अब हम इसको छोड़ देते हैं 24 आवर्स के लिए, और हमारा बनाना पील्स तैयार हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों मिलते हैं फिर अब 24 आवर्स बाद। अब देखते हैं हमारे बनाना पील्स का क्या हाल है। तो देखिए चलिए हम करते हैं अपने बॉक्स को ओपन। ये देखिए मैं इसको बहुत ही सावधानी से खोल रहा हूँ। देखिए आप देख पा रहे होंगे इसमें एक मॉइस्चर बना है, और जिसका वेपोरेशन हुआ है, और कुछ वेपोरेशन पर होने पर जो बूंदें हैं वो आपको कैप पर दिखाई दे रही होंगी। तो देखिए दोस्तों अब हमारा बनाना पील्स बनकर तैयार हो चुका है, और आप देख पा रहे होंगे कितना अच्छे से तैयार हुआ है। तो दोस्तों आप सबसे पहले इसको शेक कर लें, या फिर आप किसी ऐसी लकड़ी की मदद से इसको चला लें जिससे कि सारे बनाना पील्स या जो भी केमिकल तैयार हुआ है वो आपस में मिल जाए। चलिए दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कैसे करना है इसका यूज़। अब यूज़ के लिए इसको कैसे तैयार करें। तो यूज़ करने के लिए देखिए सबसे पहले आपके पास कोई एक जार हो, या कोई आप मेजरिंग करने के लिए कुछ भी ले सकते हैं। हमने अपना जार ले लिया है, और हम इस बॉक्स को खोलते हैं जो कि हमारा बनाना पील्स फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हुआ है। अब हम इसको सबसे पहले किसी छलनी या फिर आप किसी कपड़े की मदद से भी इसको छान सकते हैं। मेन प्रॉब्लम होता है कि आज के जो बड़े पार्टिकल्स हैं वो इसमें ऐड ना हों। तो ये देखिए हमारा फर्टिलाइज़र छनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसमें मैं करेंगे वाटर ऐड। आप इसको यूज करने के लिए ज़्यादा हार्ड ना लें, ये बहुत ही बेस्ट होता है, इसलिए आप इसको ज़्यादा हार्ड ना लें। इसके लिए हम इसमें वाटर ऐड करेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा दोस्तों ये आपके प्लांट्स के लिए बहुत हार्ड हो सकता है, इसके लिए हम इसमें वाटर ऐड करेंगे। और दोस्तों आप जान लें जो आप एनपीके का यूज़ करते हैं उसमें जो के पार्ट होता है पोटेशियम का, वही पोटेशियम पार्ट के लिए में बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, इसीलिए हमने बनाना फर्टिलाइज़र बनाया है। और ये हमारे प्लांट्स में जो पोटेशियम की मात्रा की कमी होती है उसको पूरा करेगा। तो देखिए दोस्तों अब हम ऐड कर देते हैं इसमें वाटर, ताकि इसका जो हार्डनेस है वो थोड़ा लूज़ हो जाए।
तो दोस्तों ये हमारा बनाना फर्टिलाइजर बनकर तैयार है। अब हम इसको करेंगे स्प्रे, या फिर आप इसको सॉइल में भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास शावर नहीं है तो ऐसे आप अपने बोतल में फिल करने के बाद उसके कैप में होल्स बनाकर उसका शावर बना सकते हैं। तो दोस्तों अब हम इसको लगा देते हैं, इस कैप को इस बोतल पर। तो चलिए दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कैसे करना है इसको अपने प्लांट्स और सॉइल में अप्लाई। तो दोस्तों देखिए ये हमारे प्लांट्स हैं, ये हमारा मनी प्लांट भी है, इसमें कुछ और भी प्लांट्स हैं हमारे पास, इनमें सभी में एलोवेरा भी है। ये देखिए हमारा एक ब्रेंजल का प्लांट लगा हुआ है, इस पर भी हम इसको स्प्रे कर देंगे ये भी, क्योंकि ये भी एक फ्रूटिंग प्लांट है। तो देखिए दोस्तों मैं इन सब पर स्प्रे कर देता हूँ ताकि इनमें जो भी पोटेशियम की कमी होगी वो पूरी होने लगेगी, और जब ये सॉइल से एब्जॉर्ब करेंगे तो और अच्छे से ये वर्क कर पाएंगे। तो दोस्तों ऐसे ही बेहतरीन गार्डनिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए हमारे चैनल टेढ़ी बगिया को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बन जाएं टेढ़ी बगिया के नए सदस्य। और दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है ताकि हम एक नई ट्रिक्स एंड टिप्स गार्डनिंग के लिए बेस्ट से बेस्ट लाते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी गार्डनिंग ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ में। टाटा बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।